सो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू बेस्ट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, जिसमें आप स्टार्ट तो फ्रीलांस से करते हैं बट आगे जाके आप उसमें अपना एजेंसी बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाय गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर माय चैनल मनीष डीएनए ऑन यूट्यूब स्पेसिफिकली। सो आई एम वेरी श्योर आप मेरे चैनल तक आए हैं तो यू रियली लाइक कि हम रिमोट एजेंसी हो गए या फिर फ्रीलांसिंग कंसल्टिंग डिजिटल एरा में कैसे काम कर सकते हैं, डे जॉब के साथ कैसे पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो फुल टाइम कैसे कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट और विदाउट एनी मनी। क्योंकि मैं आई प्रोड्यूस लॉट ऑफ कंटेंट ओवर द डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स, जैसे शॉर्ट फॉर्मेट में मैं इंस्टाग्राम रील्स पे बहुत ज़्यादा हूँ, यूट्यूब शॉर्ट्स पे मैं बहुत ज़्यादा हूँ, मैं टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं उनके बारे में बताता हूँ, यूट्यूब में यूजली मैं बहुत डिटेल्ड वीडियोज़ बनाता हूँ प्लेटफॉर्म्स की, या मैंने पर्सनली अपने बिजनेस में कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए, या मैं क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करता हूँ, या टिप्स और ट्रिक्स है नेटवर्किंग को लेके, लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म है, ऐसी बहुत सारी मैं डिटेल्ड वीडियोस आपको ऊपर दिए हुए लिंक में मिल जाएंगी, अदरवाइज मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है एंड यू कैन हैव अ लुक एट इट। एक वीडियो है जो मेरी बहुत पॉपुलर हो रही है, विद इन 90 डेज आई हैव ऑलरेडी गॉट मोर देन 10,000 व्यूज, विच इज हाउ यू कैन स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस। एंड मैं यूजली ई कॉमर्स बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, चाहे वो छोटे स्मॉल बिजनेस ओनर्स हो, medium size home, but everybody should start their business, right? So today we are going to talk about Upwork versus Fiverr. Dono ke link apne description mein mil jayenge, aap wahan pe jaake check kar sakte hain main kiske bare mein baat kar raha hu, but agar aapko nahi pata to main overall bata dun, ye dono best platforms hai jahan pe aapko international projects mil sakte hain. So make sure aap is video ko complete dekhiye, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ यूजली बाकी यूट्यूब वीडियोस में नहीं पता लगता, क्योंकि वो लोग बहुत ओवरऑल लेवल पे बताते हैं एंड मैं जो बताने वाला हूँ उस पर्टिकुलर वीडियो का या उस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन बोलो उसका फॉर्मेट बहुत डिफरेंट है। मैं सिर्फ प्रोस और कॉन्स नहीं बताने वाला, मैं ये बताने वाला हूँ किन लोगों के लिए या कैसे माइंडसेट के लोगों के लिए अपवर्क बेटर है, कैसे माइंडसेट के लोगों के लिए फाइवर बेटर है। ओके, पॉइंट नंबर वन, इफ यू आर अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट बोलूँ चाहे 20 साल के हो या 24 साल के हो, या बोलूं जिसके पास एक्सपीरियंस कम हो, गो विद फाइवर। रीजन, आपके शॉर्टलिस्ट होने का आपको प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस ज्यादा है। ऑफ कोर्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी कंपटीशन बहुत होगा, बट एटलीस्ट यू वुड गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स कि पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, ब्रांडिंग कैसे करी जाती है, या जब आपसे लोग क्लाइंट अप्रोच करते हैं तो आपको उनसे कैसे बात करनी है। बट अगर आपको थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है, चाहे बोलूंगा 1 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर बोलूंगा आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास एक मास्टर्स डिग्री है, पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन है, जैसे एग्जांपल आप एमबीए इन फाइनेंस है, आप एमबीए इन मार्केटिंग है, या आपने बैचलर्स करी है बिजनेस इकोनॉमिक्स में या डेटा एनालिटिक्स में या डिजाइन में आपने बैचलर्स करी है एंड आपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लिया है 1.5 साल का, आई वुड रिकमेंड गो फॉर अपवर्क। क्योंकि अपवर्क पे जो क्लाइंट्स आते हैं उनकी बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है एंड दे वांट समवन जो उनके साथ लंबे टाइम तक रहे रादर देन शॉर्ट प्रोजेक्ट्स। सो द पॉइंट नंबर वन इज प्रीटी मच क्लियर, इफ यू आर स्टूडेंट, इफ यू डोंट हैव इनफ एक्सपीरियंस, इफ यू आर जस्ट स्टार्टेड योर फ्रीलांसिंग करियर, गो विद फाइवर। इफ यू आर एक्सपीरियंस इनफ, इफ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ स्पेशलाइजेशन डिग्री इन योर पोर्टफोलियो, देन गो फॉर अपवर्क। Point number two, if you want a stable income, go for Upwork. Reason, Upwork पे usually जो clients होते हैं ना वो longer term projects के लिए आते हैं, वो usually short term projects के लिए नहीं आते हैं कि उनको एक छोटी सी वेबसाइट में कुछ काम करवाना है, या तो आएंगे हमें वेबसाइट पूरी बनवानी है या रीडिजाइन करवानी है, हमें सोशल मीडिया में कोई कोऑर्डिनेटर चाहिए या ऐसा कोई इंसान चाहिए जिसका 3 से 6 महीने का प्रोजेक्ट चलेगा। So, 3 से 6 महीने अगर आपको पता है कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपके पास रहेगा तो आपकी स्टेबिलिटी आ जाएगी, राइट? आप अगर जॉब भी करते हैं तो आपको पता होता ना कि अच्छा मेरा जब तक प्रोजेक्ट रहेगा तो तब तक तो एटलीस्ट मैं हूँ, पता लगे मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाए या प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाए देन ऑफकोर्स आपका जो पर्टिकुलर रोल होगा वो खत्म हो जाएगा। सो इफ यू लुकिंग फॉर अ स्टेबल इनकम, गो फॉर अपवर्क। इफ यू लुकिंग फॉर अ गिग वर्क, जैसे होता है छोटा मोटा काम कर लिया आपने, 10 चीजें कर ली, एग्जाम्पल एक छोटा सा डिजाइन था, एक छोटा सा ग्राफिक था, सोशल मीडिया में एक पोस्ट डालना था तो आपने डाल दिया, देन गो फॉर फाइवर। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, इफ यू आर गुड विद सेल्स, ऑलवेज ऑलवेज गो विद अपवर्क।
अपवर्क और फाइवर का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अपवर्क में ये होता है कि आपको पिच करना है, बहुत सारी जॉब लिस्टिंग्स होगी, आपको वहां पे जाके देखना है कि कौन सी जॉब आपकी प्रोफाइल के लिए ज्यादा सुटेबल है, आप अप्लाई करोगे, एक कवर लेटर रेडी करोगे, पिच करोगे, जैसे एक नॉर्मल जॉब के लिए करते हैं, राइट। फाइवर में ऐसा नहीं होता, फाइवर में क्या होता है, लिस्ट हो जाते हो, जैसे आपका एक अमेजोन का प्रोडक्ट है, सबने लिस्ट कर लिया, जो भी अमेजोन का यूजर आएगा वहां देखेगा, जो भी उसको प्रोडक्ट पसंद आएगा, रिव्यूज देखेगा, जो भी उसको पसंद आएगा वो ऑटोमेटिकली उस गिग को ले लेगा। तो अगर आप सेल्स में अच्छे हैं गो विद अपवर्क, अगर आप सेल्स में अच्छे नहीं है, एंड इफ यू वांट मेरे को सिर्फ अपनी गिग करने में कोई और मतलब नहीं है, कुछ भी हो रहा हो, देन गो विद फाइवर। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं अपने फ्रीलांसिंग करियर को एज अ फ्रीलांस नहीं देखता, एज अ कंसल्टिंग प्रोजेक्ट देखता हूँ, फ्रीलांसिंग और कंसल्टिंग दो अलग अलग वर्ड है, यूजली होते एक ही तरह है, लेकिन अफकोर्स इनका जो अप्रोच होता है, काम करने का तरीका होता है, वो डिफरेंट होता है। कंसल्टिंग यूजली बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, फ्रीलांसिंग जो होते हैं वो शॉर्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं। सो अफकोर्स अभी तक आपको ये समझ आ चुका होगा, फ्रीलांसिंग छोटे प्रोजेक्ट्स मतलब फाइवर, बड़े प्रोजेक्ट बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बड़ी इनकम अपवर्क। सो चूज द प्लेटफॉर्म वेरी वाइजली, आपको क्या करना है, कैसे नहीं करना, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट नहीं करना, बट मेक श्योर अपवर्क और फाइवर दोनों का ट्राई कीजिए, दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मेक श्योर आप दोनों फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को चेक कीजिए, यहाँ पे सिर्फ डोमेस्टिक नहीं इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी होते हैं, जो आपकी डे जॉब होगी वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी फुल टाइम फ्रीलांसिंग या फुल टाइम कंसल्टिंग करियर में, जो ऑफकोर्स मैंने भी किया पिछले 1.5-2 साल में, एंड अब मैं इन चीजों को रिग्रेट बिल्कुल नहीं करता। सो मेक श्योर ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, या जिसके साथ भी आपको शेयर करनी है, या फिर आप चाहते हैं कि वो ग्रो करे, डे जॉब को छोड़ दे, वो पार्ट टाइम कंसल्टिंग के लिए बना है या फुल टाइम फ्रीलांसर के लिए बना है, आप उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऑफकोर्स अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो उनको नहीं पता लगेगा इंटरनेट पे कैसा कंटेंट अवेलेबल है। एंड प्लीज मेक श्योर आप सब्सक्राइब को जरूर हिट कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर कीजिए, सो दैट जब भी मैं ऐसा कोई डिटेल्ड कंटेंट बनाऊं फ्रीलांसिंग को लेके, कंसल्टिंग को लेके, बिजनेस को लेके, क्योंकि मैं यूजली बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाता हूं, शॉर्ट कंटेंट यूजली मेरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स पे जाता है, जहां पर मैं 30 सेकंड्स में आपको ये समझा देता हूं या टिप्स और ट्रिक्स दे देता हूं कि आप कैसे बिजनेस कर सकते हैं, आप कैसे मेरे फेलियर से सीख सकते हैं, और जो मैंने सक्सेस पाई है सेम सक्सेस आप भी कैसे कर सकते हैं। सो मेक श्योर आप ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए, एंड अभी आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपको कैसे फ्रीलांसिंग करियर मूव करना है, या जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप मेक श्योर कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करूंगा आप कैसे पार्ट टाइम से फुल टाइम में कन्वर्ट हो सकते हैं। थैंक यू, दिस इज मनीष साइनिंग ऑफ।